तबे स्वप्ना जमी प्रत्येक दिन भाई सते सकाल द्वितीय सेगमेंट थाए द्वितीय सेगमेंट खास करे टिके बेसी इंटरेस्टिंग थाए कारण जन जन अतिथि था आम दर्शकों सकाल को आउटिके सतेज करती आज आम सहित जन अतिथि अच्छा जी स्पेशल आपण स्क्रीन रे फोटो देखी जापे जे घरे घरे से परिचित एवं जहाँ को आप तुसी मो अगणार तुसी तो सीरीयल चंदन भूमिकार देखुं आम सहित आज अभिनेता अंकित आम सहित अच्छा अंकित आपको स्वागत जनाइबो सते सकाल को नमस्कार समस्त को मिस्टर गुड मॉर्निंग तो केमती अछंती अंकित मु तो बहुत बढ़िया छी आपन केमती अछंती आमे माने भी बहुत भलो अछु अंकित खास करी आमो सते सकाल रो टिके सब बळे फरमाइश थाए जो मैंने देखुं दर्शक से मानकर जदि सिंगर अच्छा गीत गाइबे जदि एक्टर अच्छा टिके डायलॉग डिलीवरी करेंगे फास्ट गोटे आप डायलॉग हो जाओ तापर आम कथा डायलॉग डिलीवरी डायलॉग डिलीवरी भाव पड़ो किसी भी आप चंदन कैरेक्टर किसी भी थी चंदन कैरेक्टर रिसेंट मैंने कालिका सूट रे जोटा अच्छी गोटे सिमिलर डायलॉग कि चंदन सामुद्राय के चंदन सामुद्राय के क्षमा कैनि जो मैंने धोखेबाजी करती और धोखेबाजी कर लोक मानक मुझे खोज बाहर करी और उपयुक्त दंड देवी तो बहुत सीरियस कैरेक्टर बोधे आपन बहुत सीरियस कैरेक्टर से माने ओटे कैरेक्टर जिमती कि माने बांधी कि रखी जिनि जोगो सेही वाला कैरेक्टर माने एते स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर माने कौन को विषय कैरेक्टर से कि बहुत भलो कैरेक्टर ना अच्छा माने रियल और रियल लाइफ रे चंदन सेम ना डिफरेंट के जिमती आ नहीं मु पूरा डिफरेंट से कैरेक्टर टू एक्चुअली मु तो मु कहूथली भी हम चैनल को कहूथली कि मते एमती से कैरेक्टर आउडे भाई बाहर कर दियो अच्छा माने जुडवा एक्टिंग हले आपन आपनकर रियल रे जोडा सेडा भी देखि बाहर जो राइट अच्छा रियल रे ताली अंकित केमती रियल रे मु बहुत फन लविंग माने सब बेले माने कहा ना कहा सहित लागू थाए माने जेमती कि सब मोमेंट रे मु फन करे एंजॉय करे सूट रे भी सेमती समस्त सहित प्रैंक करे चलते बस सेमती लाइव अच्छा तो अंकित केबेठू माने अभिनय आरंभ करले ना इच्छा थिला ना माने एमती देखि कि कहा को इंस्पायर एक्चुअली माने मो बड़ भाई जे सी बोर्ड माने अभिनेता सो माने मु तो एक्चुअली भाबी नथिले इंडस्ट्री के आसी बोली मते एमती गोटे कोन दिन बाय द लक गोटे चांस मिलिला आ से चांस टा एमती लोभ लागिला जे कंटीन्यूअसली चली छि लोकन बल पाए सहित कंटीन्यूअसली सीरियल उपर सीरियल मूवी फिल्म सब चल छि ता भितरे अच्छा तबे मूवी कथा अंकित कहले आपनक दृष्टि कोण मूवी गोटे रिलीज होबो बदे आगु को त से फिल्म टा को उपर आधारित आपनक कैरेक्टर कोन रहिछ सेथिरे दृष्टिकोण गोटे रियल घटना उपर आधारित अछि माने प्राय लोक ताकु नै कि चर्चा रहछि कि से मूवी टी माने कॉपी अछि साउथ कॉपी केरला कॉपी एमती कहौछन बट सेमती किछि भी नै सेटा गोटे कथाकथन स्टोरी उपर माने से गोटे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जमी गोटे मर्डर होती आउ से मर्डर को लेकिन तीन टा पॉइंट ऑफ व्यू देखा मैंने जो कहते दृष्टिकोण ओडिया तो तीन टा पॉइंट ऑफ व्यू देखा से पॉइंट ऑफ व्यू क्या नजरिया केमी तो जज का नजरिया गोटे स्टोरी पोर्ट्रे हो जो स्टोरी आप जो केरलार रियल स्टोरी कौन जोटा कि आप पढ़ी थे गुगुल कले भी जापरेंगे से गोटे झीवर कहानी थी से कहानीटा जज का पॉइंट ऑफ व्यू जाऊँ तो सहीटा को लेकिन मैंने लोक मैंने बहुत चर्चा अच्छा कि कौन हम कौन नहीं बट आम पॉइंट ऑफ व्यू रोच कि आम लोक नजरिया को चेंज करूँ जो मेंटालिटी अच्छी झील मान प्रति से चेंज करार अच्छी गोटे नुआ प्रयास करते मैंने से स्टोरीटा एक्चुअली अक्षय पर्जा सारकर तो सुशांत मणि सर भी बहुत बढ़िया से प्रेजेन्ट कर तो आम टीम पूरा मैंने कहले आम टीम बहुत बढ़िया काम करें तो आसंता का रिलीज होती मैंने 27 मे रे रिलीज होती तो आप जातु देखु आप मतामत जनातु कि पॉइंट ऑफ व्यू जनातु कैरेक्टर कौन अच्छी से मो कैरेक्टर मैंने मेन मेजर लीड जो दिज अच्छा जो मैंने कि जो मैं मर्डर हो भितर मुझे से पुओ जे मैंने जय जहाँ क्यारेक्टर मुझे प्ले कर से माने जाए जय आउ कुहु ए दुज मैंने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे से गोटे प्रोजेक्ट रे जाइए तो से गोटे इनसीडेंट रे मर्डर होती तो से ही इनसीडेंटा कौन मैंने केमी मर्डर होटा आमरी उपर ये आउ प्राय आउ तो तीन टा क्यारेक्टर अच्छे जो मैंने जमी एलीना सामंतरे तरह पुलिस क्यारेक्टर करते बहुत बढ़िया क्यारेक्टर भी प्रेजेंट करते हर भाई जे कि वकिल होती से भी पॉजिटिव वकिल होती से आमको मैंने जस्टिस देवाई लगी तो जी क्यारेक्टर अच्छे जो पांचटी क्यारेक्टर बेसी क्यारेक्टर भी नहाँ पांचटी क्यारेक्टर मुवि और समस्ते निज निज जगह बहुत बढ़िया कम करते ओके तेज अंकित सब इम्पोर्टाट कथे आप रोल प्ले करुँचि से रोल को डायलॉग रे डिलीवरी रे को क्यारेक्टर में गोटे सोसाइटी को मेसेज जा फिशर बेस्ड मूवी हो सीरीयल होने अधिक भल पाइबा दिखती डेफिनेटली डेफिनेटली मैंने
ଯେତିକି ଯେମିତିକି ଅଛି ବହୁତ ସାରା ମୁଭି ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଛି, ସେ ମୁଭିକୁ ଆମେ କପି କରୁଛୁ। ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ମୁଭି ଅଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛି ସେତିକିରୁ ମାନେ ମୁଁ ତ କହିବିନି କି ମୁଁ କପି କରିନି। ଗୋଟେ ମୁଭି ଆମର ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଅଲମୋଷ୍ଟ ନିୟର ଆବାଉଟ କପି ବଟ୍ ଇନ୍ସପାୟାର ଷ୍ଟୋରୀ କହିପାରିବ ସେଟାକୁ, କାହିଁକିନା 30% ସେ ଷ୍ଟୋରୀରୁ ନେଇଥିଲେ, ଅଲଗା ଓଡ଼ିଆର ମିକ୍ସ କରିକି ସେ ଷ୍ଟୋରୀ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମୁଭି ଯେମିତିକି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା ଭୋକ ମୁଭିଟି, ଭୋକ ମୁଭି ମାନେ କରୋନାର ଗୋଟେ ଲୋକର କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର କାହାଣୀ, ଆଉ ସେ କାହାଣୀକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ବଟ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ରିଲିଜ ହେଲା ଯେଉଁଠିକି ବେଶୀ ଲୋକ ସେ ମୁଭି ଦେଖିପାରିଲେନି, ବଟ୍ ତାପରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କାହିଁକିନା ସେ ମୁଭି 7 ଡେଜ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଇନକମ୍ କରିଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ବଜେଟ୍ ପାଖାପାଖି ଇନକମ୍ କରିସାରିଛି। ଓକେ, ଅଙ୍କିତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ମୁଭି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବଲିଉଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ୟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଯେତେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ହଲ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ପ୍ରତି ଟିକେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିଥିବେ କି ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଅଲରେଡି ଭିଡ଼ ଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାର ଘରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଉ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି କପି ହେଉଛି କପି ହେଉଛି, ବଟ୍ 10ଟା ତ କପି ହେଉନି ନା, 10ଟା ମୁଭିରୁ ହାର୍ଡଲି ଆପଣ ଧରିନିଅନ୍ତୁ 4ଟା ମୁଭି କପି ହେଉଛି, ବଟ୍ ଆଉ 6ଟା ବି ତ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହଉ କି ଡିରେକ୍ଟର, ସେ କେମିତି ରିସ୍କ ନେବେ ମୁଭିକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ବି ରହୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ପୁରା ନୂଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ, 6 ମାସ ଭାବିବୁ, ତାକୁ ସୁଟ୍ କରିବୁ 3 ମାସ, ତାପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଯେଉଁ ମୁଭି ବାହାର କଲା ବେଳକୁ, ବଟ୍ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଯେମିତିକି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମୁଭିଟି ସେଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ବଟ୍ ଲୋକମାନେ ପଟାକିନା କମେଣ୍ଟ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କି ଏଇଟା କେଉଁ ମୁଭି ଗୋଟେ କପି ହେଇଥିବ, ବଟ୍ ନେଗେଟିଭିଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏବେ ବି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଦେଇଥିଲି ଜଣଙ୍କର ଇଏରେ, ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଭିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ମୁଭି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଭିଟି କେଉଁଥିରୁ କପି ହେଇଛି, କି ମୁଭିଟି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇଛି, କି ରିଏଲ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଅଛି, କି କେମିତି ଲାଗିଲା, ସବୁ ଆପଣ ମତାମତ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ତାପରେ ଭଲ ଲାଗିବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ନିହାତି ହେଉଛି, ଯେତିକି ମାନେ ସାଉଥ ମୁଭିରୁ କପି ହେଉଛି ତ ପୁରା ମାନେ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିକି ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଉଛନ୍ତି କପି କରାହେଇଛି, ଡେଫିନେଟଲି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ କେତେ ମେହନତ ଲାଗିଛି ଲୋକ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହଲ୍ ସବୁ ଏବେ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ପ୍ରାୟ ଯଦି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଟର ଟ୍ରୁଥ ଆମେ କହିପାରିବା, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଯେମିତିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆଗରୁ ମାନେ 90s ପାଖାପାଖି 90s to 100 ପାଖାପାଖି ହଲ୍ ଥିଲା, ଆଉ ବି ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା 60 to 63 ପାଖାପାଖି ହଲ୍ ହେଇସାରିଛି, ତାଦେହରୁ ବହୁତ ସାରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବହୁତ ସାରା କାମ ହଉନି ସେଠି, ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ମାନେ ସପିଂ ମଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, କେଉଁଠି ମଣ୍ଡପ ହେଇଗଲାଣି ଯେମିତି କହିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କମି କମି ଯାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଭି ଚାଲୁନି, ମୁଭି ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଚାଲୁନି ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି ତ ଚାଲିବା କଥା, ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ସେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉନି ଲୋକମାନଙ୍କ, ଲୋକମାନେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହଉ କି ଆମର ଯେମିତିକି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ସେଥିରେ ଘରେ ବସିକି ଦେଖିବା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସାଉଥରେ କ'ଣ କି ସାଉଥ ମୁଭି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଇନସ୍ପାୟର ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ମୁଭି ବି ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେଇଛି ସେ ମାନେ ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଲାଗେ, ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖିବା ପରେ ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲ ଲାଗେ, ଯେମିତି ଲାଗେ କି ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି, ଫିର୍ ବି ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି କାହିଁକି ସେଟା ମୁଭି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ, ସେମାନେ ରିସ୍କ ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଯଦି ରିସ୍କ ନେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ତ ଅଙ୍କିତ ଦେଖିବା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତିକି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର, ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ କି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ହଲ୍ରେ ଭିଡ଼ ବି ସେତିକି ଲାଗୁଥିଲା ଯେତିକି ବଲିଉଡ଼ରେ ଲାଗୁଛି ଏବେ, ତ ଏବେ କୋଉଠି ଲାକୁନା ରହୁଛି? ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ହିଁ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଖାଲି ହଲ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଘରେ ବସିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ଆମେ ଯାଉ, ରଜ ହଉ କି ମାନେ ଦଶହରା ହଉ କାଳୀପୂଜା ହଉ, ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହୁଏ, ଆମେ ଯାଉ ହଲ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ। ବଟ୍ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ନା ଏତେ ଗ୍ଲାଞ୍ଜର ହେଇଯାଇଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଆମେ ଘରେ ଡେଲି ମାନେ ଏଇ ମୁଭି ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେଲା, 2 ୱିକ୍ ପରେ ଟିଭିରେ ସେଇଟା ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ ହଲ୍ରେ ଏତେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଭିତରେ, ଏତେ ମାସ୍ କ୍ରାଉଡ଼ ଭିତରେ ଯିବୁ କାହିଁକି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓକେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଅଭିନେତା ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବି କ୍ରେଜ୍ ଟିକେ ବଢେ, ଯେଉଁମାନେ ଭିୟର୍ସ ଥାନ୍ତି, ଖାସ କରି ଏବେ ବି ଯଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ହିରୋ ସବୁ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ମୁଭି ଆସେ ଲୋକମାନେ ହଁ ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ନାଇଁ ଭଲ ମୁଭି ହେଇଥିବ, ଭିଡ଼ ବି ଜମେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ତାପରଠୁ ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ ସେଇଭଳି ଲୋକ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପାଇଲେନି, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଆଜିକାଲି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ମେନ୍ ହେଉଛି ସେଇ କଥା ନା, ଅଭି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଗଲା ଯେଉଁଠିକି ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ସେ ନିଜେ ଆକ୍ଟର, ତ ଯାହା ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଆକ୍ଟର ହେଇପାରୁନି, ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ସେ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ମୁଭି ପାଇବି ଗଲା, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁନଥିବେ ସେ ମୁଭିରେ, ତ ଲୋକମାନେ ଗଲେ ଦେଖିଲା ପରେ ସିନା ସେ ଆକ୍ଟରଟା କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନ କରୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ବହୁତ ଆକ୍ଟର ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ବି ମୋ ମାନେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭିରେ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ
स्ट्रगल करी करी अभी पर्यंत मूवी करुछंती किंतु तांकु लोकमानक अप्रिसिएशन मिलुनी जेतले फिल्मटा टीवी रे दउची लोकमान कहउछंती वाह बडा एक्टरटा माने एक्टरटा बहुत भलो काम करछी बट सेटा जदी हॉल रे मिलंदा एटलीस्ट तको चारटा अपॉर्चुनिटी मिलंदा किंतु अंकित जदी चिन्मय माने कहबा आगुरु जो माने सोशल मीडिया नथिला फिल्म प्रमोशन किछि नथिला एबे त माने आसुचंती इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब सबुथरे प्रमोशन करचंती किंतु से सबु माने आ देखिबा को मिलनी कि सेति भिडियो मे त देखियो सेही कथा म कहिला माने आगुरु का पाखर किछि ऑप्शन ही नथिला ना माने एबे कोन कि एबे मूवी लोक माने वेट करचंती कि ओडे देखु आ से कमेंट दउ जदी भल्लो देला ताहाले मे रिस्क नबु जदी खराब देला मे जिबुनी तो सेइटा ही मोस्ट ऑफ लुक तो समस्त टेस्ट एक प्रकार नुहे मो टेस्ट मते जदी लुणिया खाए पसंद कि आपण मीठा खाए पसंद थियो तो मो हिसाब रे मते एटा भल लागलेन किंतु आपण हिसाब रे मे भी भल लागिबरे तो फर्स्ट तमे हॉल को जाओ निजे देखो निजे पॉइंट ऑफ व्यू टा भाबो किंतु सेइटा होउनी काईना सोशल मीडिया एते ग्लैंज करो एटा एक्सेप्ट करबा जे हॉलीवुड प्रति लोकक इंटरेस्ट कमुची धीरे धीरे डेफिनेटली कमुची काईना लोक मो बहुत जगह रे देखी छी लोक माने ओडिया भाषा को टेकी दर्छन कि आमे ओडिया निजे ओडिया गर्व ओडिया बट से माने ओडिया देखु नांथे कि ओडिया भाषा रे कथा पई भी पसंद करना आपण जदी मोस्ट ऑफली भुवनेश्वर सिटी रे भी मु बहुत जगह देखी छी मैक्सिमम लोक हिंदी रे कथा थले नी आ ता सहित जो ओडिया लोक माने से माने तांको माने पाळी भी धरछन हिंदी रे ओके अंकित आसीबा परवर्ती समय रे कंट्रोवर्शियल टिके रहइबो किंतु टिके ब्रेक परे तो जेति कि माने एक्चुअली प्रॉब्लम हला गोटे समय आसीला जोंथरे कि आपण देखन तो टाइटल गुडा को इत्ते बेकार भी मूवी रो से आई लव यू तू कहि दे मोना कोने इमती सब जहां पाइले ता गुटे गुटे दे देले जहां को पाइबे ताको हीरो को रिटिया कर देबे जे पाइबो से जे जे अंकित कले जे जाय पर पैसा से ही निजे हीरो ले ए गुडा को माने सिस्टम परठू सब सही हला जो मानन को पाकर पैसा ही सेवन हो हां तापरे माने आमे मूवी टे देखे को जाउ छी कोन पई माने गोटे एंटरटेनमेंट पई जदी एंटरटेनमेंट सेतरे नथि बोलो को काई तबे स्वप्ना आमे सहित आज अभिनेता अंकित अछंती तांके सहित आमे लगातार आलोचना कर छी आमे दर्शक माने मध्ये अछंती अंकित को आज टीवी स्क्रीन रे मध्ये देखुथिबे कारण सब बळे गोटे कैरेक्टर रे देखंती आज जेहेतु अंकित किछि मन रो कथा कहउ छथि मध्ये बहुत गुडे बडास अछि अंकित जानिबा पई चाहबु जे खास करी सीरियल कथा जेमति आपण सीरियल करउ छथि वर्तमान अनेक समय ए चित्र वर्तमान सामना को आसला जे मूवी जो माने करूथिले से माने जदियो मूवी आसुनी से माने मूवी रो मन न देखिरे वर्तमान सीरियल दुनिया को गलेनी बा सीरियल मध्ये लोकंकर सेति के आदृत होउचे लोक माने बेसिकली देखिबो खास करी ओडिया रे सब घर मानक रे देखिबे आपण संध्या आले समस्त टीवी खोली बसंती आ ओडिया सीरियल देखु छेंते एक्चुअली सीरियल रे किछि सिखिबा पई जिंस मिलुछे ना जो कोती सासु बहु कळी रो ये गोटे माध्यम सेटा बेसी देखिया पय मिलची सीरियल रे नै 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 से एक्चुअली थिला अगुरु माने सब्जेक्ट थिला जेमति कि आमे चेंज होउछु सेही हिसाब रे सब्जेक्ट भी चेंज हेई चालछ ओके जो टाइम रे सासु बहुंग सब्जेक्ट चालथिला सेही टाइम रे सेही सब्जेक्ट ही चालथिला आ गोटे सासु बहु जो दिजण माने जो दीटा ना से दीटा अंकर झगडा केबे भी सरीबनी तो से दीजण को भीतर भल पाइबा हो झगडा हो से दीजण भीतर नोक चोक सेटा केबे भी सरीबनी सेटा आज जी पर्यंत कोन फ्यूचर फ्यूचर पर्यंत भी चालथिबो तो आमे जदि समस्त को कहानी देखिया से बहुत गोटे स्टोरी बाहर आ शिखा कथा जो कहे से 100% आम आक्टिंग कौटना कौटी शिक्षा को गोटे भल अपर्चुनिटी मैंने सीरीयल हो रेगुलर आने पलिस जाती समस्त तो सीरीयल जब आज कर मैंने गोटे वर्ष पर्यटन भी करवरी डे आप सुट पड़ा तो एवरी डे आप बेटर बेटर करलिस तो से आपको शिक्षा बहुत से भल अपर्चुनिटी मिले लोक मैंने मूवी स्टार अपेक्षा भी सीरियल स्टार मानक बहुत इम्फोसिस दौरान कहीं प्राय ए गाँ मानक समस्त मूवी देखा जाऊना बट एवरी डे संध्या छटा रात दसटा टी लगे बस तो से प्रायोरीटी भी बहुत बेसी मैंने समस्त प्राय कथा चल रही किए न देखी थी यार कौन है सीन टा आसा कौन है मोर एक्चुअली मानते हूँ चार नंबर सीरीयल मैंने ओडिया तो मो से मो ना ही जानते कारण कैरेक्टर ना जानवे तो मैक्सिमम जगह रे ना रही जानी छन तबे अंकित ये त आपन को एक्टिंग लाइफ रो कथा तबे अंकित को पर्सनल लाइफ जीवा अंकित के फैमिली रे के अछंती कोठी जन्म कोठी रहउछ मु जन्म ही कटक रे हम घर होछ एक्चुअली एटी कटक रे घर शंकरपुर पकरे तो माने मां बाबा भाई भौज मां रिसेंटली एक्सपेक्ट करछंती हमरो ए 2 इयर हला गोटे रोड एक्सीडेंट रे सो बाबा मु भाई भौज बस एति की छोटा फैमिली तो कटक रो दही बरा खांती डेफिनेटली बहुत खाए तो कटक रे कटक फूड तो केबे छाड़ी होबनी आ बहुत मिस करे बाहर हो गेले काईना हमकू मोस्टली बाहर मिलेनी कटक से दही दही बरा को जगह रे पाइबेनी ओके
अच्छा अंकित कथा हो कटक कथा कहले ओडिसा कथा स्पेशली ओडिसा रे जो खाइबा मिले एटा बाहर कोठी मिलेनी आ आपण जुआडे भी जानतो ओडिसा रे खाइबा को निश्चित मिस करबे ओडिसा वासी सब बळे टिके तांको खाइबा स्टाइल टिके डिफरेंट आमे टिके राजा छुआ परिका खाऊ किंतु ये या भितरे अंकित कर ये जो फिगर माने केमति मेंटेन करचोंदी एक्चुअली मोर हूँ जेनेटिक माने आमर समस्त मोर जेनेरेसन जो मैंने अच्छा समस्त स्लिम ट्रिम अच्छा बट माने मोस्ट ऑफ द टाइम कौन हुए कि आम जब प्रॉपर स्लिप न ने कि खाया टिके परचोट है तो फैट लग जाए बॉडी फैट लग जाए जमी कि मैंने सब बेसी फैट लगे आग गाल ना बेली फैट सब फास्ट लगे तो सेटा को मेंटेन करा रेगुलर टिके वर्कआउट प्रॉपर माने डाइट तो मुझे रेगुलर कर पारे बट वाटर कंज्यूम मैंने जितकी दरकार से डेली वाटर कंज्यूम करे आउ वीकली 3 to 4 days at least मुझे वर्कआउट करे अच्छा अंकित वर्तमान जो मैंने चाहूँगे खास कर एक्टिंग कैरियर रे पाद रखापी आनेक समय जो कथा आप कहते अपॉर्चुनिटी भी मिलेनी किंतु एज ए गोटे एक्टर हिसाब से आपको कौन सजेस्ट करने चाहिए जे फास्ट कौन हाँपी दरकार मानते कौथिरे सेने स्ट्रांग हेले एक्टिंग करियर रे आगो को बढ़ी परिबे गोटे परफॉर्मर माने एक्टर हा पई फास्ट दरकार तमरो माने गोटे भलो एक्टर हेले एक्टिंग फास्ट दरकार कैना एक्टिंग ही गोटे दिन से जोडे की बहुत लॉन्ग पर्यंत तुम टाणी नै परियो सेकंड थिंग होची तुमको डांस भी भलो हेतिवा दरकार कैना डांसर गोटे भलो डांसर से भलो एक्सप्रेशन भी दे परे एंड द बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत भलो रहे तो जदी गोटे भलो डांसर गोटे भलो एक्टर हेई परियो बहुत जल्दी हेई परियो तो से आगुरी जब प्रिपेयर होकर आस बहुत भल कथ ना लाइफ रे जो चान्सटा मिले से फर्स्ट गोटे थर ही मिले आती ही तुम क्लिक जो करगल जब माइनस हो तो माइनस चलो आगे अंकित कथा हो बर्तमान जो फिनान्सीआल आड़क आम जा खासकर बर्तमान मानने आम सोसाइटर सब पेरेन्ट्स मेन्टालीटी थाए जी पुओ पाठ पढ़ू चाकरी करू गवर्नमेंट जॉब करू आइदर बिजनेस करू किंतु एक्टिंग कैरियर को बहुत हुए कम पेरेंट्स जो मैंने पसंद करते आम पिला माने जानतो आ खास करी पुओ मानक क्षेत्र रे बेसी टिके देखा जाए कारण से मानक ऊपर फैमिली बर्डन थाए आ फाइनेंशियली बेसी बर्डन से मानक ऊपर ही दिया जाए ये एमती जदि देखिबा पई जिबा ताहाले सीरियल दुनिया रे केते ये आपन को मनी माने प्रॉपर्ली आपन गोटे मेंटेन कर पारंती सीरियल कथा होला सीरियलटा होची माने रेगुलर गोटे जॉब जदि आमे जेमती कि बाहर जॉब करचू गोटे पैकेज रे सैलरी रे सेमती सीरियल सीरियल जो माने करंदी माने जेमती कि प्रोटैगनिस्ट माने से माने तो मंथली थाए गोटे मंथली अमाउंट फिक्स हे थाए सेति कि से माने पाइले आउ कथा होची जो माने एमती जो भाबंती मु आज पर्यंत मो माने माने गाम माने जो थाए मुझे जाईबी से माने मते पचरंदी पो केते टुआ दउचो तमे माने एक्टिंग करिया पे माने अपोजिट त मु तो बहुत फनी फनी क्वेश्चन भी पचरंदी आउ बहुत सारा त एमती पचरंदी बाबा जति की पाउचो सेतिर चली जाउचो ना आउ कोन करूचो तो से माने के भाबंती नी की एतिर पैसा अछि की पैसा मिले किंतु एक्चुअली मु जदि कहिबी मु लास्ट आसी की 8 इयर भीतर बहुत इनकम कर छै लाइन टू आउ से सेटा मो माने पर्सनल एक्सपीरियंस की जदि तमे गोटे प्रोटेक्ट हिसाब से प्ले कर तुम भल इनकम कर पार आई मीन जब ना सीनियर क्यारेक्टर अच्छा जब नुआ नुआ जो मैंने आसे कम पेमेंट पाती बट से कम पेमेंट भी जब तुम नर्माली कौटी जब करो ताठ तो बेटर था तो मैंने यहाँ हूँ कौन किए मैंने समस्ते जो जब क्या भावती जब भी कौटे कन्स्टाट न था कत मैंने एवं जब अच्छी वर्ष पर नव सेमती सीरीयल भी तुम जब कर 3 वर्ष 4 वर्ष गोटे सीरीयल चले 4 वर्ष पर तुमको सीरीयल छाड़ा पड़ो कि सरी जाए सरीगला तुमको जब नेक्स्ट मिलगला बहुत भल क्या ना 4 इयर भर में जितकी इनकम करते से तुमको सेकंड किसी भावे पड़े तो सब बड़े फ्यूचर प्लानिंग गोटे प्रेडिक्ट कर रखे कथा तबे अंकित जो दृष्टिकोण आपणकर काली रिलीज होउची तबे केते दिन रे शूटिंग थिला सेमते किछि मेमोरेबल मोमेंट आपणकर रहिची बहुत सारा मेमोरेबल मोमेंट रहिची माने सेटा एक्चुअली हमर बारीपदा रे मोस्ट ऑफली बारीपदा रे शूट हेछि माने हम पार्ट जति बारीपदा रे शूट हेछि किछि काटेनी रे शूट हेछि ऑलमोस्ट सेटा 1 मंथ रो शूटिंग शेड्यूल थिला 1 मंथ पकावे कि तापर एडिटिंग वगैरह हे साल पर हमर ऑलमोस्ट हे गेलन एठी 6 मंथ मूवी कंप्लीट हो पे एमती कि आमे माने सेठी बारीपदा रे जेमती कि एलिना मु लीजा मुझे हीरोइन अछि माने अपोजिट रे से समस्त मिसिक जितने इवनिंग स्नाक्स आसे सब ओंट इमाजिन कि आम मुढ़ी तापर बारीपदार जो चिकेन मुढ़ी मांस रईट से सब ही खाऊ से मैंने सिंगेड़ा यही सब तो से सब उपर भी आमको गोटे भल मानते कमेंट्स मिल जाए समस्त दृष्टिकोण किसी डायलग मन अच्छे दृष्टिकोण डायलॉग हाँ गोटे भल फंकी डायलॉग तादर अच्छी जमीक मानने आम मिसिक तार ड्रिंक्स करमती गोटे पुअर माइंड रे कि निज गर्लफ्रेंड सहित ड्रिंक्स कर सारा ता सहित किसी मानने घटना घटव किंतु ड्रिंक्स करी मो गर्लफ्रेंड सोई जा तो मुझे सेठी कौच कि गोटे महापुरुष कही कि निज उर्वी सहित ड्रिंक्स कर कितु एत भी ड्रिंक्स करनी जे ड्रिंक्स पर आउट हो एनिवेज गुड नाइट कहीकि सुई देखिए आस
तबे अंकित कथा होची जे आमे बहुत सारा कथा होचे ता भितरे किंतु टिके डायलॉग जे तो फॉर्माइज थिबो जो माने आसी जों खास करी तो समस्तन थाय जे एक्टर एक्ट्रेस आसीले आमे डायलॉग सुनबा आ सिंगर आसीले गीत सुनबा सेति पई आमे मजरे जहाले भी हमको डायलॉग माने टिके डिलीवरी करिया को पड़िबो। अंकित कथा होची जेमते आमे कथा होतले एक्टिंग करियर कथा सीरियल कथा जदि देखा जाय ताले सीरियल गुडी को वर्तमान लागू छै जेमते टिके बेसी कमर्शियल बेस हे जाय छै आपण से ऑर्नामेंट्स कथा देखंतु साड़ी कथा देखंतु किंबा पूरा लिविंग स्टाइल कथा देखंतु किंबा जो आर्ट गुडा कासे छै सब गुडा जेमते कमर्शियल बेस गुडा को अधिक मने होय छै। डेफिनेटली माने एबे सब शो को बहुत कमर्शियली रखु छथिन माने जेमते कि रात्रि सोइला बेले कई अनएक्सपेक्टेड कि एते सारा ज्वेलर्स पिंधंती किंतु आमे जो कैरेक्टर प्ले करछु सेतरे आमु देखायो पड़े तथापि आमे बहुत एतर माने सीरियल्स रे बहुत चेंजेस हे गेलै जेमते कि आमु शोज रे माने चैनल भी आमुकु प्रेफर करले कि नहीं तमे रात्रि नाइट सूट पिंधो माने ऑर्नामेंट्स किछ नै किंतु कोन हुए ना गोटे टाइम रे आमुकु गोटे थाय ना फिल्मिंग लिबर्टी गोटे देखायो पड़े गोटे कैरेक्टर जे केते ऊपर ते जेमते कि मां कैरेक्टर मोर जो चित्रा देवी करु छथिन तो से ताको कैरेक्टर बहुत ऊपर माने बहुत रिच फैमिली से बिलंग्स करते तो नाइट सिक्वेंस जिते पड़े से हिसाब से जब बिना ज्वेलर्स रे कोडना कोडी टिके आखि खटके तो कैरेक्टर पूरा डिफरेंट लगे सकाल बेल पूरा हेवी ज्वेलर्स थे गोटे डिफरेंट गेटअप रात बेल मैंने किसी नीचे ज्वेलर्स नो टे आखि को खटके तो से आटलिस्ट किसी वेयर करा को परमिशन मिला जाए मैं मिले से तेज अंकित आप चार चार सीरीयल कर प्रथम सीरीयल आप कौन थी ऑडिशन रहा एक्सपीरियंस ऑडिशन एक्चुअली कह गए मतलब मैंने मुझे जिम रु वर्कआउट करी आम से मैंने जो चैनल हेड जी थे सी मो सहित वर्कआउट करते बट मुझे जान नी से चैनल हेड तो मतलब बहुत थोड़ा इनसीस्ट कले कि तुम सीरीयल कर तो मुझे भाविली लोकटा मतलब एत कहीं इनसीस्ट कर तो मतलब बहुत सारा इनसीस्ट कल मुझे भाविली कि लोकर बोधे बहुत भल हैंडस अच्छे तो मुझे आस्ते आस्ते मैंने अवॉइड करी कि ना मुझे कहीं बेकार जी बहुत दिन से लगला फाइनाली मुझे भाविली ना चलो ठीक अच्छे गोटे थोड़ा ट्राए करी तो सी मतलब पठे थे गोटे शो रे ऑडिशन देवाई मुझे ऑडिशन देली कैमरा रे निजुक देखिली से मॉनिटर रे पुणी निजुक देखिली मतलब भल लगे मुझे अरे वाह मतलब बड़ा देखा तापर मोर गोटे निशा लगे कि ना मुझे करियर अच्छे मतलब बस तापर जो शो पे जाइली से शोर तो करपाइली सेकेंड मैंने जो शो पे मोर एग्रीमेंट होता से बहुत डिले है मुझे कौन कली गोटे छोटे क्यारेक्टर पशिगली परी सीरीयल जो दूसरा से पशिगली तापरठ मैंने 8 मंथ पर बैक टू बैक आम घर लक्ष्मी फुल गडबर्ड ज्वाइन नंबर वन अभी यही सीरीयलटा तो कैसे डिफिकल्ट हुए ना इजी हुए स्क्रिप्ट मन रखी फास्ट तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि मैंने एमती डिफिकल्ट होता कि मतलब मो डायरेक्टर कही कि यार माने आकु आमे ये कर परबो नि त स्पॉट बॉय आसीका सीन नबो माने गोटे सेदल थिला ना माने मु जदि कहू छी आई एम टॉकिंग अबाउट 2014 गोटे स्क्रिप्ट थिला से स्क्रिप्ट जेहेतु मु नुवा करू छी त मु बहुत नर्वस भी रुहे माने फर्स्ट फर्स्ट तो नर्वस रुहे बहुत तो से सीन टा मु करि पर नथिलि गोटे 5-6 धाडी रो डायलॉग थिला माने याडे कांदीबार अछि याडे बुझेर अछि ताबि त से डायलॉग कहर अछि त मु कहि पर नथिलि मोर 10टा टेक पर से डायरेक्टर इरिटेट हो गले कहले कि तो सीन आमे नहीं पारिबे तो से स्पॉट बॉय डाकले सही नबो। ओके अंकित आगो को ड्रीम कोन अछि आगो को मो तो ड्रीम अछि माने मु जेमति कि मो साइड बिजनेस मु करे मो डेफिनेटली मो चाहू छी से बिजनेस टा को माने बढ़िया पे आ ता सहित मोर गोटे भलो ड्रीम अछि चले से साइड बिजनेस कोन स्क्रीन रे टिके कोन तो माने अन्य माने भी जानत मु एक्चुअली किछिटा फूड आइटम सब सप्लाई आम करा जाए आम तरफ रू जमती कि रिलायंस ये को तो सब फूड सप्लाई जी हुए से सब आम मानते मो कंपनी तरफ जाए एंड मुझे हिसाब से मुझे भाई गोटे आगे गोटे डिफरेंट काइंड रेस्टोरेंट ओपन करने बिल्कुल तापरे अंकित जानिबा पई चाहे बुझे वर्तमान जो स्टेज रे आपण अछंती कैरेक्टर लाइन रे आपण को लागु छी जे आपण पूरा सक्सेस आज पर्यंत पाई गेले नी ना आउ किछ सक्सेस पाइबर आशा अछि सक्सेस जदी पाई जेथन तले आज तो काम बंद कर देथन सेतमे सक्सेस पाई नी आउ पाईर आशा रे चली छी देखा जो सफलता रे निश्चित पहुचिबे डेफिनेटली तबे अंकित घरे बापा मा केते खुशी माँ तो बहुत खुशी थी स्टार्टिंग जो एक्चुअली बहुत खुशी थे तो एवं आउ मैंने नहांती मो लाइफ रे बट सब मो सांगर अच्छा मतलब लगे कि सब मत सपोर्ट करती बाबा कि मैंने मैंने यहाँ जानते कि घर बापा किसी लेनदेन नहीं बस कैसे इनकम करुच्छ से देखे अच्छे तुम्हें निजे इनकम करके खाई पी खुश रही पार्छ दैट्स इट आउ जदि लगुच कि ना पिलार आउ पैसा दरकार होती जना पड़े कि कमर तुम किसी ना निश्चित भाव किंतु कथा होची जे लाइफ रे समस्त किए कौ लाइन रे जीव एटा ऊपर ही डिसाइड होता है आपन को सही पूरा रास्ता ही मिली जाए से पूरा
ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସଡେନ୍ ଦେଖା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଇନସିଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ କରନ୍ତୁ। ସତ କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ ଉପରବାଲା ହିଁ ଗଢ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଠି ଅଧା ବାଟରେ ହିଁ ଅଟକିଯିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଅଙ୍କିତ ଆଜି ଆସିଲେ, ସତ୍ୟ ସକାଳର ଅତିଥି ହେଲେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚନ୍ଦନକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋ ଗଣାର ତୁଳସୀ, ଆଜି ସେ ଅଙ୍କିତ ହିସାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ର ଖୁଲାସା ବି ସେ କଲେ। ତେବେ ଅଙ୍କିତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଯାଆନ୍ତୁ ଥିଏଟରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟା ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓକେ, ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନା, ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଙ୍କିତ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଆମ ସତ୍ୟ ସକାଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସରିସାରିଛି, ସମୟ ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।